इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखिए आप कितना वाइब्रेट हो रहा है, इसका स्टीयरिंग आप यहाँ पे देखिए। अगर आप बोलेरो चलाते हो तो ये पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो पूरा वाइब्रेट होता हुआ आपको दिखेगा, तो रोल ओवर काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर। कहीं ब्रेक ही नहीं लग रहा, दबा के बैठ गए अपन, ब्रेक तो लगे, कहीं ये नीचे से अड़ ना जाए, ग्राउंड क्लीयरेंस का दिक्कत होती है। मेरे को नहीं लगता एसी कूलिंग में आपको कभी भी गाड़ी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना को मिलेगा। रिवर्स कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन रिवर्स असिस्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि रिवर्स सेंसर देखने को मिलेंगे आपको। दोस्तों अभी अपन ड्राइव कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो नियो को हाईवे में, तो ये वाला जो रिव्यू होगा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिव्यू होगा, क्योंकि अपन इस बार महिंद्रा बोलेरो का टेस्ट राइड वीडियो दूसरों जैसा नहीं लाएंगे, अपन अपने जैसा लाएंगे। मतलब कि इसको मैं ड्राइव करूँगा हाईवे में भी, सिटी में भी, और थोड़ी बहुत ऑफ रोड, ताकि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पता चल जाए कि मेरे को बोलेरो नियो लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अपन हाईवे में चल रहे हैं, अभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, थर्ड गियर में गाड़ी अपनी। सबसे अच्छी बात अपने को ये लगती है कि इसकी गियर शिफ्ट बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसका क्लच जो है वो भी स्मूथ है। एक जो दिक्कत आती है वो ये है कि हल्के बहुत वाइब्रेशन आपको इसके गियर नॉब में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम ही वाइब्रेशन फ्री आपको गियर नॉब दिखे, इनफैक्ट अगर आप इसका गियर नॉब देखते रहोगे तो हल्का हल्का थोड़ा बहुत वाइब्रेट होता रहता है अपना गियर नॉब, तो वहाँ पर हल्का बहुत इशू आता है, अदरवाइज एज सच कोई ज़्यादा इशू नहीं है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करूँ मैं तो एज कम्पेयर विद दैट ऑफ द बोलेरो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स करता है। जब जग वगैरह भी आएंगे तो भी आपको लगेगा कि स्टीयरिंग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, बट बात जब आती है वाइब्रेशन की तो हल्के बहुत स्टीयरिंग में वाइब्रेशन अपने को दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई बिल्कुल ही वाइब्रेशन नहीं दिख रहे स्टीयरिंग में, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन दिखेंगे स्टीयरिंग व्हील में। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के फीचर देखने को मिल जाएंगे स्टीयरिंग नॉब में, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट का, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिल रही है आपको। तो भाई फीचर लोडेड तो फुल ऑन हो चुका है अपनी, और मेरे हिसाब से जो प्राइस पॉइंट में ये निकाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बोलेरो से केवल 50,000 ज़्यादा पड़ता है इसका प्राइस, तो जो प्राइस ब्रैकेट जिसके अंदर ये लॉन्च करी है वो डेफिनेटली मेरे को लगा कि यार एक बहुत अच्छा फैक्टर है, और कोई भी इस व्हीकल को ख़रीदने में इंटरेस्टेड इसके प्राइस की वजह से रहेगा। अभी अपन चल रहे हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हाईवेज़ के अंदर, और हाईवेज़ के अंदर जब 80 किलोमीटर पर आवर में आ चुका हूँ, तो 80 तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी के अंदर, बहुत अच्छे से इसका इंजन रिस्पॉन्स कर रहा है। आपको एज सच विंड नॉइज़ इतनी ज़्यादा सुनाई भी नहीं देगी गाड़ी के अंदर, क्योंकि एरोडायनेमिक बना दिया है अपनी गाड़ी को पहले के कंपेयर में, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ट्रैफिक वगैरह में अगर आप चलाओगे तो सबसे ज़्यादा स्मूथ राइडिंग रहने वाली है, क्योंकि देखो भाई क्या होता है जब अपन ट्रैफिक वगैरह में चलाते हैं तो अपने को मेन चीज़ ये चाहिए होती है, एक तो गियर नॉब अपना लाइट होना चाहिए, वो अपने को गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो अपने को चाहिए होती है वो यह है कि क्लच और ब्रेक दोनों लाइट हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका गियर नॉब, क्लच, ब्रेक तीनों की तीनों चीज़ें लाइट देखने को मिलेगी, तो उस जगह आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है इस गाड़ी की, इस गाड़ी को किसी भी गियर में उठाओ आपको कोई इशू नहीं आने वाला, और बोलेरो से इसकी पावर का 25% तक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जब आप इसको हाईवे में चलाओगे तो ऐसे से आपको कोई इशू नहीं आएगी, जब बम से निकलती है तो आप देख सकते हो बम के जब भी कोई आपके बम्स वगैरह आएंगे तो उसमें इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है। ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस को भी अपन अच्छे से देखेंगे जब थोड़ा बहुत ऑफ रोड में ले जाऊंगा, ऐसा 4x4 वाली ऑफ रोड नहीं ले जाऊंगा। पिछली बार भी मैंने जब बोलेरो का टेस्ट राइड वीडियो डाला था तब भी मैंने बोला था कि 4x4 जैसी ऑफ रोड नहीं ले जाऊंगा, बट ऑफ रोड आपको दिखाऊंगा गाड़ी की कि ऑफ रोडिंग में ये कैसी परफॉर्म करती है। अभी जब आप इसको चला रहे हो सबसे अच्छा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स लग रहा है मेरे को, वाइब्रेशन स्टीयरिंग व्हील में एज कम्पेयर विद दैट ऑफ बोलेरो कम लगे। हॉर्न पूरा बोलेरो गए थे,
दोस्तों अब अपन आ चुके हैं सिटी में, तो सिटी में आप देख सकते हो किस तरह से ट्रैफिक है। मतलब आज डेली रूटीन के कंपेयर में थोड़ा कम ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, तो एक तरह से मतलब कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपको नहीं दिखेगा। हाईवे में थोड़ा बम्पर टू बम्पर दिख गया था, बट यहाँ पे मेरे को नहीं लगता ट्रैफिक दिखेगा। बात आती है अगर अपन माइलेज की बात करें, तो यहाँ पे मेरे को इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 12.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है यार। सिटी वगैरह में आप चला रहे हो अपनी गाड़ी, 1500 cc की गाड़ी है, इसके हिसाब से बहुत अच्छा माइलेज देखने को मिल रहा है अपने को। इसकी टर्निंग रेडियस की बात करें तो इजीली टर्न आउट होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है अपनी बोलेरो नियो में कि आप जो इसकी सेटिंग हाइट है वो बहुत ऊपर है। मतलब कि 11 लाख के बजट में जो भी आप गाड़ी खरीदोगे उसकी सेटिंग हाइट आपको नीचे की तरह देखने को मिलेगी। कोई भी गाड़ी आप ले लो, बोलेरो में ये चीज़ है, बोलेरो ले लो चाहे बोलेरो नियो ले लो, इसकी सेटिंग हाइट इतने ऊपर होती है कि जो आप देखते हो तो रोड विजिबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और बम से भी ये बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो यार एक तरह से होता है रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, सब जगह गाड़ी को आपको चलाने में मज़ा आता है। ज़्यादा स्पीड में भी आपको ऐसा जितना डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप ज़्यादा हाइट में बैठे हुए हो और जितने भी बम पाए आपको सडान जैसे बहुत ज़्यादा स्लो करने की ज़रूरत भी नहीं है। सडान में जैसे डर रहता है कि यार कहाँ ये बम कहीं ये नीचे से अड़ ना जाए, ग्राउंड क्लियरेंस का दिक्कत होती है, तो यहाँ पर वैसी कोई आपको इशू नहीं देखने को मिलेगा। अगर अपन इसको राइड कर रहे हैं, लाइक अभी मैं चला रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, स्टीयरिंग रिस्पांस बहुत अच्छा है। बम्प्स में एक बार मैं आपको स्टीयरिंग रिस्पांस भी दिखाऊंगा कि एकदम जब पूरी की पूरी सड़क खुदी हुई है, सड़क है ही नहीं मतलब एक तरह से ये कहेंगे, तब अपना स्टीयरिंग किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। गियर शिफ्ट अल्ट्रा स्मूथ गियर शिफ्ट देखने को मिलेगी, गियर शिफ्टिंग में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और लाइक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिखेगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, बट ब्रेकिंग हर जगह की आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ब्रेकिंग में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ब्रेकिंग से मेरे को कहीं दिक्कत आ रही है, हल्के से हार्ड डिस्क के ब्रेक देखने को मिलेंगे, बट आपको ऐसा जितना ज़्यादा नहीं होगा कि यार भाई ब्रेक ही नहीं लग रहा, दबा के बैठ गए अपन, ब्रेक तो लगे, वो वाली दिक्कत आपको नहीं होगी। आप इसको एक इस गाड़ी में जो लोगों को लगता है और मेरे को भी लगा कि यार इसमें रोल ओवर थोड़ा बहुत है, लाइक कैसे रोल ओवर, लाइक आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हो, लाइक 70-80 की स्पीड में हो और फिर आप टर्न लोगे तो आपको लगेगा कि यार गाड़ी थोड़ी हिलेगी, लाइक अभी मैं थोड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा हिला के चला रहा हूँ, तो हल्का बहुत रोल ओवर आपको फील होगा गाड़ी के अंदर। और डेफिनेटली जो पीछे की तरफ एकदम जो इसकी कैप्टन सीट लगी हुई है पीछे की तरफ, उसमें जब लोग बैठेंगे तो उनको ज़्यादा ही रोल ओवर महसूस होगा एज़ कम्पेयर विद जनरल रोल ओवर। अभी भी मैंने चलाई तो जो मेरे साथ बंदे वो उनको भी लग रहा है यार क्या हो गया। तो रोल ओवर काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर, वहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें डीमेरिट आता है। अदरवाइज़ इंजन का पिक एंड ऑल अगर आप देखोगे उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, सिटी ड्राइव में ये बहुत अच्छी चलती है। इसके सस्पेंशन सेटअप टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट मेरे को कहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है सस्पेंशन में। इसके अंदर जो है कैबिन में भी इतनी नॉइस नहीं आती है, लाइक अगर आप बोलेरो चलाते हो तो ये पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो पूरा वाइब्रेट होता हुआ आपको दिखेगा जब भी जर्क वगैरह आएंगे। इसका जो कैबिनेट है काफ़ी ज़्यादा फर्म देखने को मिलेगा, काफ़ी रगड़ देखने को मिलेगा और उसमें भी दिक्कत नहीं आती। इंजन नॉइस कब अपना इंजन की नॉइस आती है वो बात करें अपन, 2000 RPM के नीचे इसका इंजन जो है वो मतलब नेग्लिजिएबल नॉइस निकालता है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 2000 RPM के नीचे। बट हाँ 2000 RPM के ऊपर हल्की सी आती है और 2500 के ऊपर तो RPM के ऊपर तो आपको सही में लगेगा इंजन इसका एविडेंट हो गया है। स्टीयरिंग की बात करें कितना ज़्यादा हैवी है, कितना ज़्यादा लाइट है, तो अगर मेरे को कोई पूछे कि यार अपना जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आने लग गया आजकल की जनरेशन की गाड़ियों में, तो इतना ज़्यादा इसका लाइट है कि नहीं स्टीयरिंग, तो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील जितना लाइट तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देखिए। और अगर मेरे को उसके डे टू डे लाइफ में बताना पड़े इसका स्टीयरिंग कितना हैवी है, तो टोयोटा की अगर आपने इनोवा चलाई है तो आप कह सकते हो हाँ भाई टोयोटा की इनोवा जितना हैवी स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, तो वो है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, लाइक मैंने जब इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो इसका जो स्टीयरिंग में है तो थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि स्टीयरिंग पतला है, तो उसको आपको अगर झाड़ा करना हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं, आप खाली लेदर की कवरिंग कर दो इसके ऊपर तो भी आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों अब अपन यहाँ पे देख सकते हो यार, अब आप भी जो रोड है काफ़ी अनइवन होगी, एक तरह से अपन 4x4 वाला ऑफ रोड तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी अनइवन रोड से ले जाऊँगा मैं गाड़ी को, तो उधर भी इसका थोड़ा परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसी आ रही है। तो ये अभी चला रहा हूँ मैं गाड़ी को, स्टीयरिंग में आप देख लीजिए कितने वाइब्रेशन देखने को मिल रहे हैं, तो
तो स्टेयरिंग में भी हल्के बहुत वाइब्रेशन है, ऐसा ही नहीं कि भाई पूरा स्टेयरिंग अगर ना लुढ़क रहा हो तो वो वाले वाइब्रेशन तो नहीं है, हल्के बहुत वाइब्रेशन पर आपको स्टेयरिंग में देखने को मिलेंगे। महिंद्रा जो अपना इंजन के साथ काम कर रहा है वो डेफिनेटली मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा करते जा रहा है। एमहॉक इंजन जितने भी आप देख रहे हो महिंद्रा की सीरीज़ के डीजल में, मेरे को डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कितने भी डीजल इंजन देख लो, आप किसी भी कंपनी का देख लो, बट महिंद्रा जितना रिफाइंड डीजल इंजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप इस सेगमेंट में देखोगे, जैसे कि बुलेरो देख ले अपन, अपना बुलेरो न्यू देख ले, ये थोड़ा इकोनॉमिकल सेगमेंट आ जाता है, और इकोनॉमिकल सेगमेंट में भी जो इंजन ये बना के दे रहे हैं वो बहुत साइलेंट बना रहे हैं एज़ कम्पेयर विद इट्स कॉम्पिटिटर। तो ये बिना कॉम्पिटिटर के गाड़ियाँ चल रही है, मैं तो यही कहूँगा, मोनोपोली क्रिएट कर रही है और आगे भी करती आएगी। अब देख लो दोस्तों, सामने पूरा का पूरा ऑफ रोड ही है, बहुत ही कम ये पूरा आपको ऑफ रोड देखने को मिलेगा। तो भाई ऑफ रोड में जब अपन चला रहे हैं, अब मैं यहाँ पे बुलेरो को भी लाया हूँ और साथ ही साथ मैं बुलेरो नियो को लाया हूँ अभी इस टाइम पे। तो बुलेरो नियो और बुलेरो में अगर मेरे को कोई पूछे भाई किस में ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहा, तो टू बी रियली वेन्यू ऑनेस्ट, यहाँ पे इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स देखिए आप, कितना वाइब्रेट हो रहा है इसका स्टीयरिंग, आप यहाँ पे देखिए, मतलब अगर अपन देखें जिस हिसाब से रोड है, वाइब्रेशन काफ़ी हद तक कम है, ऐसा आपको बहुत सारे वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ही मिनिमम वाइब्रेशन के अंदर अपने को गाड़ी देखने को मिल जाती है। तो वो डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ हो जाती है गाड़ी की, क्योंकि जब वाइब्रेशन कम होता है गाड़ी में तो अच्छा भी लगता है। आप सामने की तरफ देख लीजिए, आप रोड एंड हो जाएगी, डेड एंड आएगा, तो वहाँ तक एक बार ले जाते हैं गाड़ी के, वाइब्रेशन वगैरह आप देखिए स्टीयरिंग रिस्पॉन्स पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं महिंद्रा ने। वो चीज़ मेरे को लगी महिंद्रा की कि ये बहुत सीरियसली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, कहीं भी रोड नहीं है, आगे कहीं रोड आपको दिखेगी नहीं। यहाँ से अगर अपन देखें तो इस साइड से अपन चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे जब ये इतनी ख़राब रोड से चल रहा हूँ, और फिर आप यहाँ पे गियर नॉब देखोगे, गियर नॉब हल्का बहुत आगे टू एंड फ्रो मोशन दिखेगा आपको, बट टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, इतना ज़्यादा अच्छा इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काम करेगा इसकी उम्मीद मेरे को भी नहीं थी। और मैं भी खुद यार एक बार कह सकते हैं अपन कि मेरे को खुद को भी लगा कि थोड़ा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इसमें बहुत बेटर हो चुका है। रिवर्स कैमरा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन रिवर्स असिस्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि रिवर्स सेंसर देखने को मिलेंगे आपको, तो वो है, तो उससे भी आपको एक बार अच्छा आइडिया हो जाएगा कि पीछे क्या क्या है अपने। तो छोटी छोटी बीप सुनाई देगी आपको जब गाड़ी के पीछे कुछ होगा, और ओआरवीएम जो है इसके वो बहुत बड़े बड़े ओआरवीएम है, आईआरवीएम भी सामने की तरफ देख सकते हो आप, ऑयल डिमिंग नहीं है, बट आफ्टर मार्केट आजकल सब कुछ हो जाता है, तो यार वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी करा सकते हैं। जो भी गियर में आप गाड़ी चलाओगे आपको सामने टीएफटी में दिख जाएगा कौन से गियर में आप चला रहे हो। अगर मैं इसको TUV 300 से कंपेयर करूँ तो TUV 300 से मेरे को ज़्यादा अच्छा इसका राइड एक्सपीरियंस लगा। इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो सस्पेंशन सेटअप में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर दिए, और इसमें अभी इको मोड भी आ चुका है गाड़ी में। Your vehicle is in eco mode. तो इको मोड मैंने डाल दिया, इसने बोला भी योर व्हीकल इज इन इको मोड, तो इको मोड में भी थोड़ा देख लेते हैं किस हिसाब से हुआ है। इंजन पावर में डिक्लाइन आपको जरूर देखने को मिलेगा, बट एवरेज वगैरह की एक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इको मोड जो है आपका एवरेज को अच्छा कर देगा। एसी की बात करें तो एसी भी दो देखने को मिलेंगे, नॉर्मल एसी और एसी इको। नॉर्मल एसी जब आप चलाओगे तो पूरी गाड़ी ठंडी हो जाती है, और एसी इको जब आप चलाओगे तो केवल आगे के दो जो दो जने बैठे हुए हैं उनको ही ठंडक मिल पाएगी। तो एसी में भी इन्होंने इतना जब सोच समझ के काम करा, तो महिंद्रा की आरएनडी टीम भले ही थोड़ी सी स्लो हो लेकिन इफेक्टिव मैनर में काम करती है, वो डेफिनेटली मेरे को एक इसका अपराइजिंग पॉइंट लगा। और जिस हिसाब से महिंद्रा की कंपनी चलते आ रही है, फ्यूचर एग्जिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ ले आएगी। 6 स्पीकर वगैरह देखने को मिलेंगे, स्पीकर से कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी के अंदर। एसी कूलिंग, मेरे को काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे भाई यार एसी कूलिंग बताओ यार अपनी महिंद्रा में कैसी आती है, तो महिंद्रा बुलेरो की एसी कूलिंग की बात करें तो एसी मोड और इको एसी इको देखने को मिलेंगे, दोनों में एसी कूलिंग मेरे को मोर देन इनफ लगी। मेरे को नहीं लगता एसी कूलिंग में आपको कभी भी गाड़ी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना को मिलेगा। और टीएफटी के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है अगर आपको सीरियसली देखना है कि यार भाई पूरा डिटेल में बताओ अपने को, मीडिया प्लेयर में क्या क्या देखने को मिलता है, टीएफटी में क्या क्या देखने को मिलता है, तो यार आपको आई बटन में एक लिंक छोड़ दूंगा मैं, जिस लिंक में आप जाओगे तो आपको इसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू देखने को मिलेगा। उसमें मैं आप
आपको आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि सब चीज़ें कैसे रिस्पॉन्स करती है। ये ड्राइव रिव्यू था, इसमें मेनली अपन ने ड्राइव डिस्कस करी है महिंद्रा की, बोलेरो नियो की, और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये ड्राइव रिव्यू इसका पसंद आया होगा। तो फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।